फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह का 10:30 हो रहा है तो और मैं बना रही हूँ राजमा। आज लंच में राजमा चावल मैं बनाऊंगी और राजमा का रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। या फिर से आप दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से राजमा बहुत ही टेस्टी बनता है। राजमा को हमने बेकिंग सोडा और नमक डाल के बॉयल कर लिया था, अच्छे से बॉयल होना चाहिए। और फिर वही प्याज चॉप करके और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल के इसे अच्छे से भून लिया। फिर रेगुलर मसाले जो होते हैं डाल लिए और लास्ट में हमने गरम मसाला ऐड किया है। तो देखिए, राजमा हमारा बन के रेडी हो गया। तो ऊपर से हमने धनिया पत्ती चॉप करके डाल दिया और बस मैं चावल बनाऊंगी। तो आज का हमारा लंच है राजमा चावल ही, सबको खाना है। तो लंच मेरा बन गया है। फ्रेंड्स, आज मैंने काम जल्दी ही ख़त्म कर लिया। कल बहुत ज़्यादा थक गई थी और कल लग रहा था कि फिर से जुकाम हो जाएगा और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी वगैरह भी चेंज होने से हो जाता है और थकान तो हुई थी। और काम बढ़ जाने से ना, काम करने के चक्कर में ना लेट शेट खाने वगैरह में हो जाता है, तो लगता है ना कि तबीयत ख़राब हो गई। तो आज मैंने बोला कि आज मैं रेस्ट करूँगी, फिर कल काम करूँगी। तो आज मैंने वही नॉर्मल जो काम होता है वही मैंने किया और खाने में बनाया है मैंने लंच में राजमा चावल। और हम लोग खाना भी खा लिए, बज रहा है 1:30 अभी बज रहा है दोपहर का। तो हम लोगों ने लंच कर लिया है और अब मैं रेस्ट करूँगी और देखूँगी। बहुत कुछ करना है, दीपावली की तैयारी बहुत सारी करनी है, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा थकने से तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए आराम आराम से काम करूँगी कि ताकि बीमार ना पड़ूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही बीमार भी पड़ जाती हूँ। डस्ट वगैरह से एलर्जी है तो बहुत जल्दी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो देखती हूँ, बहुत कुछ सोच के रखी हूँ, देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो अब मैं रेस्ट करूँगी और ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो ब्लॉग से बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं करूँगी रेस्ट और वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा सा 1-2 घंटा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत थकान से लग रहा है। कल तो बहुत थक गई थी और आज भी कुछ कुछ तो काम किया ही हमने, कुछ कुछ काम किया, कपड़े वगैरह तो कुछ कुछ धुले ही। तो एक बड़ा काम हो गया, कपड़ा धुल गया। अभी दीपावली की साफ़ सफाई करनी है, कर्टन्स वगैरह धुलने हैं, तो ये सब काम अब कल के बाद से मैं शुरू करूँगी। 2-3 दिन में ये सफाई वाला काम ख़त्म कर देना है। चलिए, वीडियो कंटिन्यू करेंगी, ब्लॉग से बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है और कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो गया, क्योंकि मंथ के हम लोग एंड में गए थे तो चीज़ें तो ख़त्म हो ही गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ख़त्म भी हो गई थी, तो जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने मंगाया था तो आ गया है। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं लगे हाथ रख ही देती हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ साफ़ सफाई का काम नहीं किया, सिर्फ कपड़े वगैरह धुले हैं। तो कल मैं फिर से काम करूँगी, नहीं तो टाइम भी नहीं है और फिर ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कल कुछ और काम करना है। तो दीवान वगैरह मैंने सोच रही थी कि थोड़ा सेट कर दूँ, निकाल लूँ कपड़े वगैरह जो भी रखे हुए हैं। तो ये सब जो ग्रॉसरी का ख़त्म सामान था तो वो आया हुआ था, तो मैं इसको लगा रही थी। ये भी आगे, ये भी एक काम होता है इनको अच्छे से अरेंज करना, तो मैं इसको करूँगी, इसको रख दूँगी। और शाम के खाने में कुछ खास नहीं बनाना है, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा बच गया है तो मैं सोच रही कि सेवई बना दूँ। दूध पीने का मन नहीं हो रहा है किसी का, तो मैंने सोचा कि चलो सेवैयाँ बना, सेवई रखा हुआ बना दूँ। ये रोस्टेड है, लेकिन थोड़ा सा मैं और 1 चम्मच घी डालकर मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और फिर दूध वगैरह डाल दूँगी। तो वही मैंने रात के लिए सिर्फ सेवई ही बनानी है और सब्जी वगैरह है, रोटियां सेकूँगी और सबको खिला दूँगी। और आज मैं थक गई थी तो इसलिए आज का दिन मैंने रेस्ट के लिए रखा था। कल फिर मुझे काम है बहुत ज़्यादा, तो वो सब निपटाने हैं, काम धीरे धीरे करके सारे काम निपटाने हैं। समय कम है, उसी के अनुसार सारा काम भी करना है। तो इलायची वगैरह मैं कूट के डाल रही हूँ और ज़्यादा मैं कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालूँगी। बच्चे लोग को चाहे किसी को, हमारे घर में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर सेवई पसंद नहीं है, तो वैसे ही मैं इलायची डालकर मैं बना रही हूँ। तो हमारी सेवई भी बन गई। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कल का ब्लॉग है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने बहुत कम शूट किया था, कल मैंने रेस्ट भी किया था, क्योंकि कल मैं बहुत परसों काम करी थी तो थक गई थी, तो कल हमने रेस्ट किया था। लेकिन आज मुझे कुछ काम थे, ये सब अरेंज करना था दीवान में, मुझे दीवान को ठीक करना था, क्योंकि दीवान में जो कपड़े पड़े हुए थे बहुत सारे ऐसे बेडशीट वगैरह हैं जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो उनको मैं यहाँ से हटाऊँगी और दूसरी जगह इसको शिफ्ट करूँगी। और ये सब जो यूज़ का है उसको यहाँ रखूँगी
करूँगी तो पहले सबको निकालूंगी क्योंकि सब इधर उधर मैसी मैसी सा हो गया है, इधर उधर सब फैला हुआ है, बहुत सारे कपड़े एक साथ हो गए हैं। तो इसमें मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह और कर्टन्स वगैरह रखती हूँ, सोफ़ा कवर वगैरह रखती हूँ, तो पहले इसको मैं निकालूंगी और सबको हटाऊंगी। और देखिए ये मेरे साथ ये हेल्प भी कर रही हैं, और बहुत सारा चीज़ है जो कि मिलता नहीं है समय पे, क्योंकि बहुत दिन से मैंने इसको अरेंज नहीं किया है, तो मैं आज मैंने सोचा कि चलो इसको कर लेती हूँ। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है सुबह का हमारा, ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैंने झाड़ू पोछा भी इन्होंने कर दिया है और फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, तब मैं हम लोग लगे हैं क्योंकि इस तरह से बहुत लेट हो जाता है, तो हमने सोचा कि चलो इसको सारे काम करने के बाद ही करेंगे। और मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि अगर मैं रेस्ट करती तो मुझे आलस हो जाता, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं तुरंत ही लग गई कि इसे आज मुझे अरेंज कर ही लेना है, क्योंकि एक दिन करके बीत रहा है, समय कम है, तो फटाफट से सारा कुछ करना है। और बहुत दिनों से सोच भी रही थी इसी बहाने ये सारा डीप क्लीनिंग हो जाता है, जो कपड़े यूज के नहीं उसे डिस्कार्ड भी कर दूँगी, और किसी किसी को यूज़ भी आ जाता है पहनने लायक चीज़ें जो अच्छे अच्छे होते हैं जो कि हम नहीं पहनते हैं लेकिन पहनने लायक होते हैं, तो वो सब मैं पहनने के लिए इन लोगों को दे देती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। और आज इसको मैंने करना है तो मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। तो ये एक साइड का मैंने कर लिया था, एक साइड का पूरा कपड़े मैं निकाल के रख दी हूँ क्योंकि उसमें मैं धूप वगैरह भी दिखाऊंगी, कुछ कपड़े गर्म कपड़े वगैरह हैं तो कुछ मैं ड्राई वाश को भी दे दूँगी और जो घर में धुलने वाले हैं घर में धुलूँगी, तो आज इसको तो वही देख। ये सब हमने दीवान को ठीक कर लिया और ये सब ना निकाल के हमने रख दिया, इसमें उलन कपड़े भी हैं, स्वेटर भी हैं, ये सब कल पहले हम धूप दिखाएंगे और फिर इसको रखेंगे। और बहुत सारा कपड़ा हमने डिस्कार्ड पोटली बनाया है, इसमें हमने जितने कपड़े थे ना देने लेने वाले जो कि हमारे यूज़ के नहीं थे, तो इसको हम किसी को दे देंगे जो कि उनके यूज़ में आ जाएगा। इतना कपड़ा डिस्कार्ड हुआ तो इतना स्पेस हमारे दीवान में बन गया बॉक्स में। और भी हमने सूट वगैरह था, कॉटन का कपड़ा वगैरह था, वो हमने अपने हाउस हेल्पर को दे दिया, वो अपना ले गई। और ये सब मैं फिर किसी दिन किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। तो फ्रेंड्स अभी जाके हम रिलैक्स हुए हैं, लेकिन अभी काम बाकी है, पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कुछ कपड़े हमने निकाले हैं, तो पहले मैं कल उसको थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी, धूप दिखाने के बाद रखूँगी। थोड़ा सा ऐसे मैं नेफ्थलीन की गोली वगैरह डाल के रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्मेल आ जाता है, थोड़ा धूप दिखा देने से ठीक हो जाता है, क्योंकि सब सारे कपड़े हमने धोकर ही रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार धूप दिखा देंगे। और जब भी पहनना होता है ना, थोड़ा सा उसको हम एक बार धो लेते हैं, पानी से भी ऐसे भी धो लेते हैं थोड़ा सा, तो वो ठीक हो जाता है, पहनने लायक हो जाता है, नहीं तो ऐसे स्मेल आते रहता है। तो सारे कपड़े हमने निकाले और बहुत सारे कपड़े हमने डिस्कार्ड किए, बहुत स्पेस बना है, बहुत सारे अपने सूट्स वगैरह मेरे जो थे वो हमने अपने हाउस हेल्पर को दे दिया, वो भी थी मेरे साथ, वो हेल्प करवा रही थी, तो उसको जाने से पहले मैंने बोला कि ले जाओ उसके यहाँ पहन जाएंगे सब लोग। और कुछ कपड़े हमने और भी निकाल के रखे हैं, जैसे जिसको ज़रूरत होगा ना, सर्दियों में आते हैं लोग तो उनको मैं दे दूँगी। तो अभी अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत काम है साफ़ सफाई का, क्योंकि हम लोग उधर चले गए थे ना, समय कम बचा हुआ, मैं सोच रही हूँ कि संडे तक मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि फिर बहुत सारा और भी काम होता है, तो साफ़ सफाई वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो और काम होगा जो भी करना होगा। तो फिर इस वाले बेड को भी हमें क्लीन करना है, इस वाले बेड में से भी बहुत सारा सामान निकालना है क्योंकि बहुत दिनों से नहीं खुलने से भी ना गंदगी हो जाती है, और ये भी याद नहीं रहता कि हमने क्या रखा हुआ है, तो वो भी यूज हो जाता है, जो यूज़ करने लायक होता है वो यूज़ हो जाएगा, बाकी सब हम देखेंगे, जो नहीं यूज़ करने लायक है हम किसी को दे देंगे। तो कल सुबह में मैं उस सबको पहले धूप दिखाऊंगी। एक साइड हमने पूरा दीवान को ठीक कर दिया उस कमरे का, और देखिए इतने सारे कपड़े हमने निकाल के, इन सबको मैं धूप दिखाऊंगी पहले कल, गर्म कपड़े भी हैं और कम्फर्टर वगैरह है, उलन कपड़े हैं, इन सबको पहले मैं धूप दिखाऊंगी, तो फिर उसके बाद में इन सबको अरेंज करूँगी। कर्टन्स वगैरह भी धुलने हैं तो मैं कल करूँगी, ये सब काम मैं कल करूँगी। तो बहुत सारा काम है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, तो अब मैं थक भी गई हूँ और शाम का टाइम हो गया, 6 बज रहा है, तो देखती हूँ क्या मैं खाना बनाऊँगी, जो भी बनाना हो हल्का फुल्का मैं बनाऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने काम के चक्कर में शाम में खाना भी खाया है, तो ये सब तो लगा ही रहता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी यही कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखती हूँ वीडियो को कंटिन्यू कर पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि अब मैं थक भी गई हूँ पूरे दिन काम करके, सुबह से मैं लगी रह गई, आज पूरे दिन मैंने रेस्ट नहीं किया, पूरे दिन मैं लगी रह गई, नहाने के बाद तुरंत से हमने ये काम करना शुरू कर दिया, नहीं तो फिर मैं आलस हो जाता, थोड़ा सा भी रेस्ट करती तो आलस हो जाता और काम रह जाता। तो एक बहुत और हाँ, कुछ कपड़े पता नहीं कैसे उसमें
चूहा भी अंदर चला गया था, कुछ बेडशीट वगैरह कुछ सूट्स वगैरह काट भी दिया है, वो सभी मैंने हटा दिया। तो चलिए देखते हैं और वीडियो कंटिन्यू कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे वीडियो को एंड भी कर सकते हैं, देखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।